हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड। विल नाउ स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये है सरचार्ज। सरचार्ज को सुपर रिच टैक्स भी कहा जाता है। जो लोग अत्यधिक अमीर होते हैं उनको ये टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि जिनकी इनकम बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट होती है उन्हीं को सरचार्ज देना पड़ता है। सरचार्ज सभी को नहीं देना, सरचार्ज का एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर आपकी टोटल इनकम इस लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ेगा। इफ यू आर सुपर रिच देन यू विल हैव टू पे दिस टैक्स। 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आई और उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी ने 2014 बजट में ही, अपने पहले बजट में ही, वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया। वेल्थ टैक्स वाज आल्सो एन डायरेक्ट टैक्स एट दैट टाइम। ठीक है, अब आज तो सिर्फ एक ही डायरेक्ट टैक्स रह गया है जिसका नाम है इनकम टैक्स। तो उन्होंने 2014 में वेल्थ टैक्स एबॉलिश किया था। तो उन्होंने कहा कि सिंस हम एक टैक्स को खत्म कर रहे हैं तो उसकी रेवेन्यू को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सरचार्ज के रेट को थोड़ा बढ़ाएंगे। इनफैक्ट सरचार्ज का रेट उन्होंने उस साल तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2014 से लेके आज तक में सरचार्ज का रेट बहुत बढ़ गया। कांग्रेस के टाइम में ये सरचार्ज का रेट बहुत कम था, मतलब 2014 के पहले तक ये रेट कम हुआ करता था। उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ते 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 आज पता है सरचार्ज का मैक्सिमम रेट कहां पहुंच गया है? 37%, जो कि 10% के अंदर ही था, 10% तक ही था इफ यू टॉक बिफोर 2014। आइए देखते हैं हम लोग सरचार्ज किसको पे करना है, कितना पे करना है, ये सारी बात देखेंगे। ठीक है, सरचार्ज के चार्ट में सबसे पहला कॉलम है दैट यू कैन सी इज एसएससी, राइट? तो एसएससी कौन है ये देखिए पहले आप, देन उसके बाद सेकंड चीज क्या देखनी है, थ्रेश होल्ड लिमिट। थ्रेश होल्ड लिमिट का मतलब क्या है कि इनकम अगर इस लिमिट से एक्सीड करेगी तभी आपको सरचार्ज देने की आवश्यकता है, अदरवाइज नहीं। तो इंडिविजुअल एचयूएफ ईओपी बीओआई एजेपी, इंडिविजुअल एचयूएफ ईओपी बीओआई एजेपी, इन सब की अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा वर्ड एक्सीड करती है, क्या टोटल इनकम, यानी 50 लाख रुपए पे कोई सरचार्ज नहीं होता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख 1 रुपए होती है तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है। क्या रेट से? द रेट ऑफ सरचार्ज इज 10%। बट इफ योर इनकम इज एक्सीडिंग ₹1 करोड़, इफ योर टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 1 करोड़, देन द रेट ऑफ सरचार्ज विल बिकम 15%। द रेट ऑफ सरचार्ज विल बिकम 15%। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, सपोज माई टोटल इनकम इज 1 करोड़ रुपीज, वॉट इज द सरचार्ज रेट दैट आई एम लाइबल टू पे? वॉट सरचार्ज रेट इज एप्लीकेबल ऑन मी? मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए है टोटल इनकम, मेरे ऊपर सरचार्ज का रेट क्या लगेगा? मेरे ऊपर सरचार्ज का रेट लगेगा 10%। ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ से ऊपर अगर टोटल इनकम होती है तो सरचार्ज का रेट होता है 15%। 1 करोड़ तक तो कितनी होगी? 10% ही। बताइए अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख रुपए है, सरचार्ज का रेट क्या होगा? निल, सरचार्ज का रेट ही नहीं होगा। सरचार्ज का रेट तब आपके ऊपर 10% का एप्लीकेबल होगा अगर आपकी टोटल इनकम क्रॉस करती है 50 लाख रुपए को। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ को क्रॉस करती है तो अब यहां पे दो दो रेट दिख रहा है, 15% भी हो सकता है और 25% भी हो सकता है। तो विल हैव टू नो द डिफरेंस कि क्यों, कब होगा ऐसा। तो देखिए, पहले कॉलम में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A एंड 112A। अगर आपकी इनकम में 111A की इनकम और 112A की इनकम है तो आपका रेट ऑफ सरचार्ज है 15% का,
लेकिन अगर आपकी इनकम में 111 ए और 112 ए की इनकम नहीं है, एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111 ए एंड 112 ए, तो आपके ऊपर रेट ऑफ सरचार्ज है 25%। मैं रिपीट करता हूं, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। पहले तो ये जानना होगा 111 ए और 112 ए क्या होता है, 111 ए एंड 112 ए ये क्या होता है। दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन विच एसटीटी इज पेड, और ये क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन विच एसटीटी इज पेड। कैपिटल गेन क्या होता है, बहुत सारी बात बतानी पड़ेगी मुझे, कैपिटल गेन बताना पड़ेगा, फिर बताना होगा व्हाट इज लॉन्ग टर्म व्हाट इज शॉर्ट टर्म, एंड देन आपसे डिस्कस करना होगा एसटीटी। बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारा मुद्दा ये है ही नहीं, ना तो मुझे ये इनकम समझानी है अभी आपको, तो कोई चर्चा विशेष चर्चा नहीं करनी है मुझे, तो बस सरचार्ज बताना है, उसके लिए इसका रेफरेंस आ गया है। कैपिटल गेन क्या है, अगर आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो आपको कैपिटल गेन होगा। कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो आपको कैपिटल गेन होगा। जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एसटीटी पे करना पड़ता है। एसटीटी कब पे करना पड़ता है, जब ट्रांजेक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। किसका ट्रांजेक्शन, शेयर्स का और यूनिट का, ऑब्वियसली वो शेयर और वो यूनिट्स, यूनिट्स मतलब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, ठीक है, वो शेयर्स और वो यूनिट्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लिस्टेड है तभी तो उनका ट्रांजेक्शन हो रहा होगा वहां से, राइट। तो एसटीटी पे कब होता है, एसटीटी पे होता है लिस्टेड शेयर और यूनिट्स के रिस्पेक्ट में। जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स का ट्रांजेक्शन होता है तो एक टैक्स पे करना पड़ता है जिसका नाम है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, ये इनकम टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स का हिस्सा ही नहीं है, ये इनकम अलग टैक्स है। कि अगर आप रिलायंस कंपनी के शेयर बेचोगे ना स्टॉक एक्सचेंज में तो एसटीटी लगता है, बहुत कम होता है, ये पॉइंट्स में होता है, ठीक है, इवन बिलो 1%, बहुत छोटा सा होता है, ये गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन के समय ही चला जाता है। आप जब ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो तभी आप पे करते हो, व्हेन यू आर बाइंग रिलायंस कंपनी शेयर और यू आर सेलिंग रिलायंस कंपनी शेयर, मतलब कोई भी लिस्टेड शेयर्स वगैरह को आप सेल या परचेज करते हैं तो एसटीटी पे होता है गवर्नमेंट। तो ये जो आप एसटीटी पे करते हैं जिन ट्रांजेक्शंस पे, जिन भी एसेट्स पे करते हैं, अगर इन एसेट्स को आप लंबे समय तक होल्ड करके बेचते हैं तो आपका कैपिटल गेन कहलाता है लॉन्ग टर्म। अब कितना होल्ड करना होता है ये सब भी कैपिटल गेन में देखेंगे हम लोग, ठीक है। इफ यू आर होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड देन यू आर सेलिंग, दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए एसेट को होल्ड करके बेच देते हैं, खरीदा जल्दी बेच दिया तो इट इज शॉर्ट टर्म, खरीदा लंबे समय तक रखा और बेचा तो इट इज लॉन्ग टर्म। प्लीज डू नॉट बी वेरी स्पेसिफिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग कर रहे हैं, वी डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल गेन बेसिकली टुडे, राइट। सिंस आई एम रेफरिंग दिस सेक्शन 111 ए एंड 112 ए फॉर द पर्पस ऑफ सरचार्ज, आई जस्ट वॉन्ट यू कि भाई आपको भी थोड़ा बहुत इन सेक्शन के बारे में पता हो। तो इस सेक्शन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है एसटीटी पेड वाला, और इस सेक्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है एसटीटी पेड वाला, मतलब शेयर वाली इनकम, शेयर बेचने वाली इनकम है ये, ठीक है। कहता है अगर शेयर बेचने वाली इनकम है आपकी, ठीक है, 2 करोड़ रुपए के बियॉन्ड, तो आपका रेट ऑफ सरचार्ज है 15%। लेकिन 2 करोड़ रुपए की आपकी इनकम तो है बियॉन्ड, लेकिन शेयर से अलग इनकम भी है हटके, शेयर से हटके अलग इनकम भी है दूसरी, तो बाकी जितनी दूसरी इनकम है ना उस पे रेट ऑफ सरचार्ज 25% का होगा। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, अगर मैं 50 लाख रुपए से ऊपर कमाता हूं तो चाहे कोई भी इनकम हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे 10% सरचार्ज देना है। अगर मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो मुझे 15% सरचार्ज देना है। मेरी इनकम का कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन सी इनकम, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरी इनकम 2 करोड़ रुपए से ऊपर है और तो उसमें जितना शेयर वाली इनकम का एलिमेंट है,
शेयर वाली इनकम का एलिमेंट है 111 ए 112 ए, तो उस पे तो टैक्स मुझे देना है 15% टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज देना है 15%। लेकिन जितनी और इनकम है, जितनी और इनकम है, बाकी इनकम है अदर देन 111 ए एंड 112 ए, उस पे मुझे सरचार्ज देना है 25%। नाउ इफ माय इनकम इज अबव रूपी 5 करोड़, अगेन दे आर टू बाइफर्गेशंस दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, कि 15% का सरचार्ज लगेगा, 15% का सरचार्ज लगेगा उस इनकम पे जो कि शेयर वाली है, यानी कि 111 ए 112 ए, उसके अलावा जितनी इनकम होगी उस पे 37% का सरचार्ज लगेगा। जस्ट थिंक ऑफ इट, 37% सरचार्ज हमारे देश में लिया जाता है, टैक्स पे भी टैक्स, ठीक है। और जो लोग ज्यादा कमाते हैं वो टैक्स कितना देते हैं आपको पता ही है, पुराने स्लैब के हिसाब से 10 लाख रुपए के ऊपर कितना आ जाता है, पुराने स्लैब के हिसाब से 10 लाख रुपए के ऊपर 30% आ जाता है, और नए वाले स्लैब के हिसाब से 15 लाख रुपए के ऊपर 30% आ जाता है। तो जो लोग 50 लाख 1 करोड़ कमाते हैं वो सब ऑलरेडी 30% टैक्स दे रहे हैं, 30% टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर 37% सरचार्ज भी लगेगा जो लोग 5 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं, 30% का 37% और लग जाएगा, ठीक है। तो इस बात को एक अलग तरीके से भी बोला जा सकता है कि अगर आपकी 111 ए और 112 ए वाली इनकम है तो उस पे सरचार्ज 15% से ज्यादा कभी नहीं बढ़ा। अब देख लो 15% पे आके कांस्टेंट हो जा रहा है, लेकिन जितनी बाकी इनकम है उस पे 25% और 37% भी आएगा। क्या इस बात को मैं अलग तरीके से लिखवा दूं आपको, जो इसका कंक्लूजन है, लिखिए आप, सरचार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 111 ए एंड 112 ए शैल नॉट एक्सीड 15%, ठीक है, ऑन अदर इनकम, ऑन अदर इनकम इट शैल बी 25% और 37% एज द केस में। ठीक है, नाउ कमिंग टू, नोट कर लीजिए आप आराम से, नाउ सी फॉर फर्म एलएलपी, अगर फर्म एलएलपी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का सरचार्ज होता है। फर्म एलएलपी की इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का सरचार्ज होता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो फर्म एलएलपी में कोई टेंशन नहीं है, बस 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का सरचार्ज, नहीं तो नहीं, ये ज्यादा ठीक है बल्कि, ठीक है। इंडिविजुअल में इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, 50 लाख से ऊपर, फिर 1 करोड़ से ऊपर, फिर 2 करोड़ से ऊपर, फिर 5 करोड़ से ऊपर, अलग अलग रेट है, ठीक है। और उसमें भी इनकम वाइज बाइफर्गेशन है कि भाई इनकम ये है तो फिर इतना सरचार्ज, इनकम ये है तो इतना सरचार्ज, और अगर दोनों ही इनकम है तो भाई जितनी शेयर वाली इनकम है उसका अलग सरचार्ज निकालो, अब शेयर वाली इनकम के अलावा जितनी इनकम है उसका अलग सरचार्ज निकालो। फर्म कंपनी, ठीक है, 1 करोड़ रुपए पे 12%। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर इनकम है तो 7%, और अगर 10 करोड़ रुपए से ऊपर इनकम है तो 12%। लेकिन वो डोमेस्टिक कंपनी जिन्होंने टैक्सेशन ऑप्ट किया 115 बीबीए या फिर 115 बीएबी, याद है कि भूल गए, 115 बीबीए और 115 बीएबी भूल गए हो तो दिखा दूं, ये रहा 115 बीडबल ए 22% वाला, और 115 बीएबी रंग दिया था मैंने तो इसको पिछली क्लास में 15% वाला, ठीक है। तो ये जो 22% और 15% पे टैक्स देते हो ना, अगर ये ऑप्शन आप लेते हो तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 10% का विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बात सरकार ने कर दी,
ठीक है, मतलब घुमा फिरा के कान मरोड़ ही दे रही है आपकी सरकार। एक बात बताइए, मैं 25% पे टैक्स देता हूं, ठीक है, और 1 करोड़ से ज्यादा कमाऊंगा तब तो 7% देना है, नहीं तो 1 करोड़ से नीचे वाले तो 25% दे रहे हैं टैक्स, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, 1 करोड़ से नीचे वालों का 22% टैक्स है, और 22% का 10% यानी 2.2%, 2.2% सरचार्ज हो जाएगा, तो हो तो गया 22% टैक्स और 2.2 उसका सरचार्ज, तो 24.2 हो तो गया, 25 तो पहुंच जा रहा है, फायदा कहां दे रही है सरकार। आया समझ में आपको? 1 करोड़ से नीचे वाले 25% देते हैं, और नहीं तो आप 22 ऑप्ट कर लीजिए, 22 ऑप्ट करेंगे तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ जाएगा 1 करोड़ से नीचे इनकम तब भी, क्योंकि यहां कोई थ्रेशोल्ड है ही नहीं, तो 2 रुपया 20 पैसा 2.2% और बढ़ जाएगा, तो 24.2% हो गया ना आपका, तो कहां फायदा मिला अब आपको। और इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी सरकार ने, फॉरेन कंपनी 1 करोड़ के ऊपर 2% और 10 करोड़ रुपए के ऊपर 5%, आपको फॉरेन कंपनी का सरचार्ज बहुत कम दिख रहा होगा, बड़ा कम ले रही है भाई सरचार्ज इनसे, तो 2% 5%, तो फॉरेन कंपनी से टैक्स रेट भी तो 40% ले रही है सरकार, ठीक है, अब सरचार्ज भी 20-20% 40-40% ले लेगी, तो बचेगा क्या उस फॉरेन कंपनी को, वो धंधा किस लिए करेगा, भारत सरकार के लिए करेगा क्या सिर्फ, राइट। तो फॉरेन कंपनी के केस में आपको सरचार्ज कम मिल रहा है देखने को, 1 करोड़ तक 2 और 10 करोड़ के ऊपर 5%। सो दीज आर द रेट्स दैट यू नीड टू मग अप, यू नीड टू लर्न। क्या सभी इनकम पे यही टैक्स लगते हैं जो आपने अभी पढ़ा मुझसे? नहीं, कुछ स्पेशल इनकम है जिसका रेट स्पेशल है, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट। कौन कौन सी? एक तो 111A वाली इनकम, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ऊपर आपको टैक्स का रेट नहीं पढ़ाया गया था, ऊपर सरचार्ज पढ़ाया गया, अभी टैक्स ऑन टैक्स कितना होता है। जो 111A वाली इनकम होती है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स, इसका टैक्स रेट बहुत कम है, ये स्लैब के हिसाब से नहीं चलता है, कि स्लैब याद है ना, पहले 2.5 लाख तक नील, फिर उसके बाद 5%, फिर उसके बाद 20%, फिर 30%, ऐसा नहीं होता। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, इसका फ्लैट 15% लगता है, फ्लैट 15%। एक मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी 1 करोड़ रुपए की इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाली, पता है मुझे 1 करोड़ का 15% यानी कि 15 लाख रुपए देना होगा। हाँ, अब सिंस मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए 50 लाख से ज्यादा है, तो मुझे सरचार्ज भी देना पड़ेगा, सरचार्ज का रेट क्या होगा अब मेरे केस में, 10%। ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं की थी, 1 करोड़ से एक्सीड कर गई होती तब 15%, वो टैक्स ऑन टैक्स था, अभी हम रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट भी 15% है इसका। अच्छा, 112A वाली इनकम पे टैक्स लगता है 10% फ्लैट, चाहे जितनी इनकम हो 10% फ्लैट लगता है, वो स्लैब के हिसाब से चेंज वेंज नहीं होता है, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर 112, ये क्या है 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बाकी जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब बाकी कोई भी एसेट अगर आप बेचते हो जिसपे एसटीटी नहीं लगता है, सेस वगैरह पे तो एसटीटी लगता है, उसके अलावा अगर आप कुछ भी बेचते हो जिसपे एसटीटी नहीं लगता है, तो उस पे रेट हो जाता है 20% का। और अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑन विनिंग ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, रेसेस अंडर सेक्शन 115BB, ये क्या है, विनिंग ऑफ लॉटरी, तकदीर वाली इनकम है, यहां पे सारी ना तकदीर वाली इनकम है, क्रॉसवर्ड पजल्स, टीवी में गेम शो हो रहा था उसमें जीत गए, हॉर्स रेस में आप पैसा लगाए जीत गए, ताश खेले उसमें पैसा जीत गए, तकदीर वाली इनकम, इसको हम कहते हैं तकदीर वाली इनकम, किस्मत से जो पैसा आता है। इस पे सरकार हमारी बड़ी जबरदस्त टैक्स लेती है, कहती है सीधा 30% चाहिए। अब हम ये सब नहीं देखेंगे कि अच्छा पहले 2.5 लाख रुपए तक नेल, फिर उसके बाद 5%, तो फिर 20-30, ये सब नहीं, सीधा 30, चाहे वो इनकम कितनी भी हो, 1 लाख रुपए की इनकम है, 1 लाख का 30%, 30,000 आपको देना है सीधा, मतलब हाईएस्ट स्लैब पे 30% तक पहुंचते हैं हम लोग इनकम टैक्स में, ये सीधे 30 लगेगा। तो ये कुछ स्पेशल इनकम है, आपको याद रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर वाला 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर वाला बोलिए कितना, 10%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाकी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाकी 20%, ठीक है। तो आपके मन में एक बात आती होगी कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बाकी पे क्या होता है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर वाला तो 15 बता दिए, और लॉन्ग टर्म में आपने दोनों बता दिया कि शेयर वाला है तो 10 और बिना शेयर वाला है तो 20, तो वैसे ही शॉर्ट टर्म में भी बताइए शेयर वाला है तो 15, अगर शेयर वाला नहीं है तो अगर शेयर वाला नहीं है तो स्लैब के हिसाब से जो नॉर्मल इनकम है, ठीक है, स्पेशल इनकम बस इतनी है, बाकी नॉर्मल इनकम का जो टैक्स होता है वो बनाइए आप। इंडिविजुअल की बात करें तो पहले 2.5 लाख तक नील कर दीजिएगा, फिर उसके बाद 5% करिएगा, वैसे करिए। और तकदीर वाली इनकम पे 30%। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रिबेट। जिस तरीके से सुपर रिच लोगों को सरचार्ज देना है, वैसे ही कम कमाने वालों को रिबेट मिलता है, छूट मिलती है, टैक्स में से कुछ कम कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स होता है, टैक्स को बढ़ा देता है, वैसे ही रिबेट टैक्स को कम कर देता है। तो इनकम टैक्स का सिस्टम क्या हो गया, कम कमाने लोग वाले लोग को जो टैक्स बन रहा है उसमें से छूट मिल रही है, मीडियोकर वालों को टैक्स देना है, और जो बड़े लोग हैं उनको टैक्स देना है और टैक्स के ऊपर सरचार्ज देना है, राइट। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख शैल बी एलिजिबल फॉर अ रिबेट ऑफ 12,500। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, उसको ₹12,500 तक का रिबेट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी सारी कंडीशन हो गई यहां कि एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरी बात रेजिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। अगर 5,01,000 है तो रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट मिलेगा कंडीशन इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा रेजिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए 5 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, तो रिबेट मिल जाएगा ₹12,500 का। रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अवेलेबल टू एनी अदर SSC। 87A का रिबेट बाकी किसी SSC को नहीं मिलेगा, दिस रिबेट इज अवेलेबल बिफोर चार्जिंग सेस। रिबेट 87A का किसी भी दूसरे SSC को नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, और ये सेस के पहले मिलता है, लास्ट आइटम होता है इनकम टैक्स में सेस, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे क्या क्या चीज होती है, ठीक है। पहले तो टैक्स होता है, फिर टैक्स के ऊपर रईस लोग सरचार्ज देते हैं, कम कमाने वाले लोगों को रिबेट मिल जाता है टैक्स में से, और इन सभी लोगों को चाहे रिबेट मिला है या नहीं, ठीक है, सरचार्ज जुड़ा है या नहीं, सभी लोगों को सेस देना पड़ता है। सेस सबके लिए है, मतलब कम कमाने वाले, मीडियोकर वाले और बड़े वाले, सबके लिए सेस है। फिर उसके बाद सेस देना पड़ता है, और सेस का रेट होता है 4%, फाइनल 4% सेस भी लगेगा, और सेस का नाम होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये क्यों लेती है सरकार, सरकार कहती है कि जो हम सरकारी स्कूल चलाते हैं, फ्री में हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं, तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, तो आप जो लोग पैसे कमाते हो वो लोग क्या करोगे, सेस दोगे, और इस सेस से हम लोग क्या करेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन मेंटेन करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री लोगों के लिए, राइट। तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा कैलकुलेशन आप करिए ना, ठीक है। क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम ऑफ ₹4,40,000 ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115BAC। भूलते तो नहीं ना हो तुम लोग मेरे बच्चों, एक इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम इतनी है और 115BAC इसने ऑप्ट किया है। 115BAC का मतलब क्या हो गया, नया वाला स्लैब रेट ऑप्ट किया है, ठीक है। इंडिविजुअल है, टोटल इनकम 5 लाख से कम है, रिबेट मिलेगा, हाँ। आप कहोगे सर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का तो पता नहीं चल रहा है, तो अगर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का पता नहीं चलेगा तो क्या एज्यूम करोगे आप, लिख लीजिए इस बात को,
लिख लीजिए इस बात को कि अगर मुझे कभी भी पता ना चले कि वेदर द पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तो विल ऑलवेज एज्यूम पर्सन टू बी रेजिडेंट। अच्छा, अब ये तो न्यू स्लैब ऑप्ट कर रहा है तो उसमें एज से कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन अगर पुराना स्लैब ऑप्ट कर रहा होता, मतलब ये ऑप्शन ना ले रहा होता 115 बीएसी का, तो पुराने स्लैब के हिसाब से टैक्स देता, तो पुराने टैक्स स्लैब में एज भी चाहिए हमें। एज क्यों चाहिए? 60 साल से कम का है तो 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, 60 साल से ऊपर है तो 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, और 80 साल से ऊपर है तो 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। तो आपको जानना होगा ना एज क्या है। अगर एज क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम क्या मानेंगे? 60 साल तक का ही है, 60 साल से कम का है। और 2.5 लाख रुपए वाला जो स्लैब चलता है ना, 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री, वो वाला आप क्या करेंगे? स्लैब रेट अप्लाई करेंगे। आइए यहां पे कैलकुलेशन शुरू करते हैं हम। आंसर हेडिंग देंगे आप। अब कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है वो देखिए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स असेसमेंट ईयर। कौन से असेसमेंट ईयर की कैलकुलेशन करते हो आप? इक्कीस बाईस, ठीक है। नाउ आप उसके बाद लिखेंगे टोटल इनकम 4,40,000, देन उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टैक्स 0 to 2,50,000 nil, रुपी 2,50,000। इसमें सिंपल है वैसे, याद करना 2.5 लाख रुपए के सारे स्लैब होते हैं। अब अगला 2.5 लाख से 5 लाख वाला रहेगा एट द रेट ऑफ 5%, और 5-5% के हिसाब से बढ़ते भी जाता है हर स्लैब पे। ओहो, मैं 5 लिख रहा हूं, यहां कितना होगा? 10%, फिर यहां 15%। मैं क्या कर रहा हूं? इनकम बढ़ाओ, इतनी मेहनत कर ली मैंने, इनकम बढ़ा दूं? जाने दो, पता नहीं कहां हूं मैं। 4,40,000 रुपए तक कैलकुलेट करो कितना हुआ भाई, 4,40 - 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%। ₹22,000, 4,40,000 - 2,50,000, 1,90,000 × 5%, 9,500, ठीक है ना। 4,40,000 में से 2.5 लाख घटाया और उसका 5% ले लिया, ठीक है। 1,90 आ रहा था, 1,90 का 5% 9,500 रुपया टैक्स बनेगा, टोटल हो गया 9,500 रुपया। अब आप देख लीजिए सरचार्ज लगेगा क्या नहीं? अरे सरचार्ज तो 50 लाख के ऊपर वाले देते हैं। रिबेट मिलेगा क्या? हाँ, 5 लाख रुपए तक वाले को रिबेट मिलता है, तो लेस रिबेट। रिबेट लिखते समय उसका सेक्शन जरूर लिखना होगा हमें, रिबेट अंडर सेक्शन 87A होता है, ये सेक्शन रट लीजिए क्योंकि आपको हमेशा ऐसे ही लिखना होगा। रिबेट अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन लिखा जाता है यू ऑब्लिक एस, अंडर सेक्शन 87A। कहां तक मिलता है? 12,500 रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी, 12,500 तक की रिबेट मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे टैक्स ही कितना है? 9,500, तो रिबेट 12,500 नहीं मिल जाएगी, कि रिबेट 12,500 की मिल गई, अब सरकार से तुम पैसा ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको 9,500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी, ये सब्जेक्ट टू होता है, सब्जेक्ट टू 12,500 वो मैक्सिमम अमाउंट है, तो आपका टैक्स बनेगा निल। साढ़े 12,000 रुपए का तक का रिबेट मिलता है, और 12,500 रुपए का टैक्स पता है कितनी इनकम पे बनता है? 5 लाख पे। 5 लाख माइनस 2.5 लाख करेंगे तो 2.5 लाख आएगा, 2.5 लाख का 5% होता है 12,500,
और उतना रिबेट मिल जाता है। तो मोटा मोटी आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग 5 लाख रुपए तक कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना होता, जो लोग 5 लाख रुपए तक कमाते हैं साल का उनको टैक्स नहीं देना होता। ठीक है, आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके साथ। मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAC has total income of ₹9,40,000. मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है, 115 BAC के तहत इसकी 15 BAC ये ऑप्ट करता है और इसकी टोटल इनकम 9,40,000 रुपया है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पे आ जाते हैं। तो 0 से लेके 2,50,000 रुपया तक निल हो गया, ₹2,50,001 से लेके ₹5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। फिर ₹5,01,000 से ₹7,50,000 तक 25,000, फिर ₹7,50,001 से लेके ₹9,40,000 तक एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, जरा से ये डिफरेंशियल निकालिए। ₹1,90,000 का 15%, 28,500। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है बच्चों, इसकी जोड़ लगा लीजिए। अब 28,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, 66,000 रुपये। ठीक है, अब क्या करें हम नेक्स्ट, क्या हम लोग चेक करते हैं सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज लगता है कुछ लोगों को, नहीं 50 लाख के ऊपर लगता है, नहीं लगेगा। रिबेट मिलेगा? नहीं भाई, रिबेट मिलता है 5 लाख तक वालों को, तो रिबेट भी नहीं मिलेगा, सरचार्ज नहीं जुड़ेगा। 5 लाख भी होता ना तो भी रिबेट मिल जाता, और एक सरचार्ज लगता है जब 50 लाख के ऊपर होता, 50 लाख 1 रुपए पे सरचार्ज लगता, तो सरचार्ज नहीं, रिबेट नहीं। तो क्या करें नेक्स्ट, बस अब इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये तो सभी को देना होता है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रेट क्या है इसका, बोलिए 4%। छाछठ हजार का 4% निकालो इंटू 4%, 2640, ये हो जाएगा 68,640। तो एक आपने रिबेट वाला देख लिया मेरे साथ, एक आपने वो देख लिया जिसमें ना तो रिबेट है ना सरचार्ज है, और अब एक सरचार्ज वाला देख लीजिए। रिबेट वाला हो गया, सरचार्ज वाला आप देख लेते हैं, और एक बिना रिबेट बिना सरचार्ज वाला भी देख लिया आपने। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में सेस क्यों नहीं आया, सेस तो सभी का होता है लेकिन इसका टैक्स ही नहीं आया ना, लगता किस पे है सच, एसएस टैक्स पे, टैक्स आया ही नहीं ना, डिफरेंशियल था ही नहीं कुछ। क्वेश्चन, टोटल इनकम 55,20,000 रुपए रख लीजिए, ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAC।
करिए, मजा आ जाएगा आपको। इतने सारे ढेर सारे बनाएंगे, ढाई ढाई लाख रुपए के कई सारे स्लैब्स। दस लाख एक रुपए से 12,50,000। आदमी थक जाएगा लिखते लिखते, ऐसा लगता है। नहीं मुझे तो बहुत हंसी आती है, मैं सच बता रहा हूं कि इतना सारा स्लैब निर्मला सीतारमण जी ने क्या सोच के बनाया, इतना लंबा, ढाई ढाई लाख रुपए का, 5-5% से बढ़ते हुए कितना जबरदस्त कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, बताइए कितना टाइम टेकिंग हो गया। अब 15,01,000 के ऊपर पूरा क्या होता है, 30% लगता है, तो जहां तक है इनकम लिख लीजिए 55,20,000 रुपए तक एट द रेट ऑफ 30%। 2,50,000 का 5%, 12,500, 25,000, फिर 2,50,000 का 15%, 37,500, 2,50,000 का 20%, 50,000, 2,50,000 का 25%, 2,50,000 का 25% कितना होगा बच्चों, 2,50,000 इंटू 25%, 62,500 और 55,20,000 माइनस 15,00,000, 40,20,000 का 30%, 12,06,000 जोड़ लीजिए, 12,06,000 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, गड़बड़ हो गई कुछ कैलकुलेटर पे, 12,06,000 प्लस 62,500 50,000, 37,500, 25,000, 13,93,500। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले सोचना है सरचार्ज लगेगा क्या। हाँ, 50,00,000 रुपए की ऊपर इनकम है, सरचार्ज लगेगा, प्लस सरचार्ज, सरचार्ज का रेट कितना है, 10% है, तो 13,93,500 का 10%, तो 139,350 जो अभी टैक्स आया है ना, उस टैक्स पे 10% सरचार्ज लगेगा, जोड़ दीजिए प्लस 10%, 15,32,850। ठीक है, अब क्या होगा, सरचार्ज हो गया, सरचार्ज वालों को रिबेट तो मिल नहीं जाएगा, सरचार्ज एकदम अलग कैटेगरी है, रिबेट वालों की अलग कैटेगरी ही होती है। ठीक है, अब एक चीज है जो सभी को देना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 15,32,850 का 4% जुड़िए, 61,314 रुपया ऐड करके निकाल लीजिए, 15,94,164। बताइए क्लियर है कि नहीं,
इसको हम बोलते हैं टैक्स पेबल। राइट नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं अगला सेक्शन, राउंडिंग ऑफ ऑफ इनकम, सेक्शन 288A सेक्शन, ये भी रख लेना है। जितने सेक्शन में आपको सर्कल आउट कराता जाऊं पूरे कोर्स में उसको याद कर लीजिएगा, उतने ही सेक्शन आपको याद करने हैं, ठीक है। बहुत लिमिटेड सेक्शन आपको याद कराते हैं पूरे कोर्स में, बहुत कम कराते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, ज्यादा ना सोचिएगा कि अरे 100 कह रहे हैं और कह रहे हैं, कम है, बहुत कम है। और जितने सेक्शन हम आपको याद कराएंगे ना, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास मानिए मेरा, मैं इतनी बात सेक्शन के टर्म्स में करता हूं ना कि आपको जिन सेक्शंस को मुझे याद कराना होता है वो याद हो जाता है मेरी क्लास देखने के दौरान ही, क्योंकि मैं बार बार उन सेक्शंस के नाम लेता हूं, और कई बार तो वो सेक्शन क्या है ये नहीं बोलता है, बोलता हूं सीधे ऐसे 87A लगा दो, 87A क्या है, रिबेट। तो आपको मुझे सुनकर याद हो जाता है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ ऑफ इनकम क्या है, 288A, 288A इज राउंडिंग ऑफ ऑफ इनकम। जो टोटल इनकम आपकी आती है बिफोर कंप्यूटिंग टैक्स, उस टोटल इनकम को पहले राउंड ऑफ किया जाता है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 और फिर टैक्स निकाला जाता है। जो भी टोटल इनकम आती है उसको पहले आप राउंड ऑफ करते हो 10 के मल्टीपल में और फिर उस पर टैक्स निकाला जाता है। जैसे अगर आपकी टोटल इनकम मान लीजिए, सपोज योर टोटल इनकम इज 485,296, तो हम इसको 296 है, 296, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 के मल्टीपल में किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम ले जाएंगे, 4 रुपए बढ़ा देंगे, या तो हम इसको 290 कर सकते हैं या तो हम इसको 300 कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे किया जाता है ये देखिए, 10 के मल्टीपल में करने का मतलब क्या हुआ, या तो 6 रुपए पीछे चल जाओ या तो 4 रुपए आगे बढ़ जाओ। तो करना क्या है आपको, ये देखना है कि अगर 5 रुपया या उससे ज्यादा है तो आगे बढ़ना है, आखिरी डिजिट 5 रुपया या उससे ज्यादा है तो आगे बढ़िए, और 5 से कम है तो पीछे चल जाइए। तो इसका राउंडिंग ऑफ होगा 485,300। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2,26,842 रुपए किसी की इनकम है, इसकी राउंडिंग ऑफ क्या होगी, 288A लगा देंगे तो क्या होगा, 226,840 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही यहां देखिए कैसे था, 4,65,294.95, 5 रुपए से कम है ना लास्ट में, तो पीछे की तरफ ले जाएंगे तो 290 कर देंगे, 465,290, लेकिन यही 465,495 है, 5 रुपए आखिरी में, तो हम आगे बढ़ा देंगे, 495 की जगह 500 हो जाएगा, 4,65,500, ये होता है 288 की राउंडिंग ऑफ। तो ध्यान दीजिएगा, इस राउंडिंग ऑफ के बिना टैक्स मत निकाल दीजिएगा, राउंड ऑफ करने के बाद टैक्स निकाला जाता है, तो ये गलती ना हो आपसे। तो आप कहोगे सर आप तो धका धका अभी तक टैक्स निकाल रहे थे, तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने जितने क्वेश्चन लिए उसका आखिरी फिगर 0 था, वो 10 के मल्टीपल में पहले ही था, जो भी हम इनकम लेते थे अभी तक एग्जाम्पल में वो 0 लेते थे आखिरी फिगर, तो कभी राउंड ऑफ की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर 0 के अलावा कोई भी फिगर होगी तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आखिरी डिजिट 0 होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू राउंडिंग ऑफ ऑफ टैक्स, सिर्फ इनकम ही नहीं टैक्स को भी राउंड ऑफ किया जाता है 10 के मल्टीपल में, और ये होता है 288B में, 288A, 288B, आसान है याद रखना। रिबेट 87A, तो 3 सेक्शन तो याद कराया अभी तक, 87A is rebate, 288A is rounding off of income, 288B is rounding off of taxes. 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है, बिल्कुल वैसे ही जो अभी सिस्टम बताया,
अगर आपका टैक्स बनता है 12,826 रुपया तो आप टैक्स देंगे 12,830 रुपया। अगर आपका टैक्स बनता है 12,822 रुपया तो आप टैक्स कितना देंगे 12,820 रुपया। ये हो गया सेक्शन 288B। अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन 288B की एप्लीकेबिलिटी क्या है इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। एक जमाना था जब हम इंटरनेट बैंकिंग नहीं जानते थे, पता है टैक्स कैसे जमा होता था? बैंकों में जाते थे, एक इसका टैक्स भरने का ना पे करने का चलान आता है, जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो पे इन स्लिप भरते हो, नाम, फिर कितना पैसा जमा कर रहे हो, 1,000 2,000 का कितना नोट है, 500 का कितना नोट है, सब भरते हो, जमा करते हो। जिस तरीके से आप बैंक में कैश जमा करते हो तो एक पे इन स्लिप भरते हो, वैसे ही पे इन स्लिप की तरह टैक्स का चलान आता है। चलान मतलब पे इन स्लिप ही समझ लीजिए, ठीक है, टैक्स जमा करने का चलान, उसको हम भरते हैं और बैंक में जमा करते थे। आज थोड़ी ना बैंक में कोई जाके जमा कर रहा है टैक्स, आज तो इंटरनेट बैंकिंग से हर कोई खट से टैक्स जमा कर देता है। अब मैं पहले की बात करता हूं तो वहां पे विशेष परेशानी, जब भी कोई बैंक में जाके चलान के ऐसे पैसा जमा करता था तो क्या परेशानी आती थी? मान लीजिए मेरा टैक्स बनता है 12,002 रुपया, ठीक है, तो हम बैंकर को क्या करते थे, या मान लीजिए मेरा बना टैक्स 12,908 रुपया, तो हम बैंकर को कितना दे देते थे, 12,910 रुपया दे देते थे, ठीक है, और उसको बोलते थे 2 रुपया दो, बाकी 2 रुपया डिफरेंस दो। तो बैंकर्स के पास फुटकर नहीं होता था, फुटकर समझते हैं, छुट्टा पैसा, खुला पैसा, रेचकारी। अब 12,910 दिए, टैक्स बनाए 12,908, तो उसको 2 रुपया वापस देना पड़ेगा, उसके पास फुटकर होती नहीं थी। किसी जनरल मर्चेंट की दुकान पे चले जाओ, 2 रुपया उसके पास नहीं होगा तो वो 2 रुपए की आपको एक्लेयर्स दे देगा, 2 टॉफी दे देगा, हिसाब बराबर हो जाता है। बैंक वाला टॉफी लेके तो बैठता नहीं है कि आपने ज्यादा दे दिया तो वो टॉफी दे देगा आपको, राइट। तो ये फुटकर की जो परेशानी थी इसका हल निकालने के लिए कानून बनाया गया 288B। एकदम फैक्ट बता रहा हूं आपको, 288B कोई विशेष कानून नहीं है, ये फुटकर की समस्या जो हो रही थी उसको, उससे निजात पाने के लिए सेक्शन बनाया गया। अब आज की तारीख में इंटरनेट बैंकिंग से हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या मुझे राउंड ऑफ करने की जरूरत है? अरे इंटरनेट बैंकिंग से तो पैसे में आपको पेमेंट करना है तो पैसे में करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज इंटरनेट बैंकिंग से जब पैसा पेमेंट होता है टैक्स का तो जितना टैक्स होता है उतना ही पे होता है, 12,908 का 12,908 ही पे होता है। हाँ, आपकी इच्छा है आप बढ़ा के राउंड ऑफ करके पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये लॉ तो है ही, लॉ अभी भी डिलीट नहीं हुआ है, 288B डिलीट नहीं हो गया है, 288B जिंदा है, तभी तो आप पढ़ रहे हो, अगर डिलीट हो गया होता तो पढ़ते ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं तो राउंडिंग ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एग्जाम में तो राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन आप भाई ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद प्रोफेशनल बनेंगे तो वहां पे आपको कुछ दूसरा देखने को मिलेगा। आपको मिलेगा नहीं भाई, हम तो जितना टैक्स बन रहा है उतना ही पे कर रहे हैं और सर ने तो राउंडिंग ऑफ सिखाई थी 288B की, तो राउंडिंग ऑफ सिखाई थी एग्जाम के लिए, और आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर में क्या होगा ये भी बता दिया कि इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हो तो राउंडिंग ऑफ की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आपका टैक्स बनता है 12,823 रुपया तो आप कितना पे कीजिए, 12,820 मत पे कीजिए, इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हो ना, 12,823 दीजिए, क्यों 3 रुपए कम दोगे? फुटकर की परेशानी थोड़ी ना हो रही है इंटरनेट बैंकिंग में, इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी कुछ और थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में फुल टैक्सेस पे कर रहे हैं हम, जबकि थ्योरेटिकल एग्जाम में 288B अप्लाई करने के लिए हम इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू राउंडिंग ऑफ ऑफ टैक्सेस, क्या वो भी फुटकर की समझ? अरे टैक्सेस से क्या, अरे राउंडिंग ऑफ ऑफ इनकम, इनकम का कोई लेना देना नहीं था, इनकम के लिए लॉ जो बनाया गया वो स्ट्रिक्ट लॉ है, ठीक है, कि आपको इनकम राउंड ऑफ करनी ही पड़ेगी, तो करिए, सब कोई करेगा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है। 288B क्या है? प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है।
would like to see few illustration with you now. Solved illustration है, तो बस participate कीजिए मेरे साथ साथ देखिए. Mrs. X is non-resident in India for the assessment year 21-22. तो ध्यान दीजिएगा ये non-resident है. For the previous year 2021, assessment year 21-22 मतलब previous year 2021 ही होता है. Her income chargeable to tax in India is 8,30,000. अब यहां पे एक बात बोला उसने, मिसेज एक्स नॉन रेजिडेंट है, उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया. एक नॉन रेजिडेंट को जो इंडिया में इनकम कमाता है ना, वही उसी पे टैक्स देना होता है. ठीक है भाई, इंडिया में टैक्स किस पे देंगे, जो हम इंडिया में इनकम कमाए हैं. अगर हम रेजिडेंट होते हैं ना, तो पूरी दुनिया जहान में जितनी भी इनकम कमाते हैं उस पर टैक्स इंडिया में देते हैं. मैंने ये छोटी सी बात आपको पहले भी बताई है कि हमारी सरकार ऐसे कहती है तुम हमारे हो, हम कहते हैं हाँ हम तुम्हारे हैं. मतलब ऐसे समझ लो, मोदी जी पूछ रहे हैं तुम इंडिया के हो, हमारे हो, अपने हो, हमने कहा हाँ. तो मोदी जी ने कहा कि तुम दुनिया भर में जितना पैसा कमाते हो ना, सारा टैक्स यहीं देना. मैंने कहा अच्छा. अब दूसरी बात करते हैं नॉन रेजिडेंट की. मोदी जी ने पूछा भाई तुम इंडिया के हो, अपने हो? मैंने कहा नहीं, मैं नॉन रेजिडेंट हूं. उसने कहा कोई बात नहीं, इंडिया में जितनी इनकम कमाते हो ना, उसका टैक्स इंडिया में देना, बाकी बाहर वाला बाहर दे देना, इंडिया वाला इंडिया में देना. तो ये नॉन रेजिडेंट है ना, तो इंडिया वाली इनकम जो है 8,30,000 है, और इसी का टैक्स इंडिया में देना भी है. इफ सी डजंट ऑप्ट फॉर 115 BAC, 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रही है, यानी ओल्ड स्लैब. इफ सी ऑप्ट, अच्छा ऑप्ट कर सकती है क्या नॉन रेजिडेंट है? नॉन रेजिडेंट को अलाउड है क्या 115 BAC? हाँ अलाउड है, इंडिविजुअल HUF को अलाउड है 115 BAC, और रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को अलाउड है. ठीक है, सो इफ सी ऑप्ट फॉर 115 BAC, यानी कि न्यू स्लैब में क्या होगा ये बताइए आप. इनकम है 8,30,000, पुराने स्लैब से निकालते हैं पहले, 8,30,000, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, और फिर 5 लाख 1 से लेके 8,30,000 रुपए तक 20%. 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20% होता था ना ओल्ड स्लैब में. इतना टैक्स आया, कोई सरचार्ज और कोई रिबेट तो होगा नहीं, सेस लगा दो 4%, योग्य टैक्स. देख लीजिए आराम से. दूसरा क्या है? अच्छा अब इसमें क्या था, दूसरे पे न्यू स्लैब वाली बात करें, 115 BAC ऑप्ट किया है तो 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 से 7.5 10, और 7.5 से ऊपर 15. जितना टैक्स आया उस पर 4% सरचार्ज जोड़ दीजिए. देखिए नए वाले स्लैब से टैक्स कम आएगा, ठीक है, नए वाले स्लैब से टैक्स कम आएगा, लेकिन नए वाले स्लैब में एक नुकसान है कि आपको बड़ी सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलती है. ठीक है, तो यहां तो हम लोग एग्जेम्पशन डिडक्शन वगैरह तो कुछ कंसिडर कर नहीं रहे, सीधे सीधे एक अमाउंट पे टैक्स निकाल रहे हैं. ठीक है, अब सेम अमाउंट पे टैक्स निकालोगे दोनों जगह ओल्ड और न्यू, तो न्यू में ही कम आएगा टैक्स, क्योंकि टोटल इनकम ही चेंज हो जाती है ना भाई. न्यू अगर हम ओल्ड में टोटल इनकम निकालें तो टोटल इनकम कम आएगी, क्यों? क्योंकि वहां एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलता है, और न्यू में टोटल इनकम क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी. तो फिर जब एक्चुअल टैक्स दोनों का निकलेगा ना, तो समझ में आएगा फायदा कहां है. और एग्जेम्पशन डिडक्शन की अभी आपको जानकारी नहीं है, अभी तो आपको स्लैब अप्लाई करना सिखाया जा रहा है, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अगर 4,30,000 रुपए तक की इनकम है तब तो एक बात देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर एक्स रेजिडेंट है इंडिया में, असेसमेंट ईयर 21-22 में प्रीवियस ईयर 20-21 में उसकी इनकम जो है वो 4,30,000 रुपए है, इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालिए.
एक बात बताइए कि आपको बता रहा है कि 115 बीएससी ऑप्ट किया है कि नहीं? आपको भी नहीं सर, कहीं नहीं बताया क्वेश्चन में। हम कहते हैं बताने की जरूरत भी क्या है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। चाहे पुराना स्लैब हो चाहे नया स्लैब हो, 2.5 लाख तक निल होता है, 2.5 लाख से 5% 5% होता है, ये तो दोनों में ही था। तो जिसकी इनकम 5 लाख रुपए के नीचे है वहां क्या करेंगे आप जान के कि 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है कि नहीं? मेरी बात समझ में आई आपको? जरूरत क्या है आपको? आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये जानने की कि 115 बीएससी ऑप्ट हो रहा है कि नहीं, उस केस में जहां पे इनकम ही 5 लाख रुपए तक की है। तो 2.5 लाख तक निल, चाहे पुराना स्लैब हो चाहे नया स्लैब हो, और 2.5 लाख से 5 लाख तक, यानी कि इस केस में 4,30,000 रुपए तक 5% होगा, चाहे पुराना स्लैब हो चाहे नया स्लैब हो, दोनों में ही टैक्स 9,000 रुपए आएंगे, और दोनों में ही आपको रिबेट 12,500 रुपए का मिल जाएगा। तो यहां इनकम ही 9,000 थी, इसलिए 9,000 का रिबेट टैक्स नहीं। इनकम 5 लाख से कम है ना, 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को, टोटल इनकम वालों को रिबेट मिलता है। इलस्ट्रेशन 3 इन फ्रंट ऑफ यू, मिस्टर वाई इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इज 2,65,000। जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है ना, उसके लिए हमको मत बताओ 115 बीएससी ऑप्ट किया है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है 5 लाख रुपए तक की इनकम का टैक्स बराबर होता है दोनों ही केस में। इसकी 2,65,000 रुपया है, 2 लाख तक टैक्स लगेगा नहीं, 2,65,000 है ना, 15,000 रुपया जो 2.5 लाख से ऊपर है जितना, 15,000 रुपया उस पर 5% लगेगा, 750 रुपया आएगा, और 750 रुपये का क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, टैक्स नील हो जाएगा। अच्छा, यहाँ रेजिडेंट की जगह नॉन रेजिडेंट होता तो क्या टैक्स में फर्क पड़ता? बस मुझे इतना बताओ, टैक्स में फर्क पड़ता है या नील ही होता? रेजिडेंट नहीं, वो नॉन रेजिडेंट है, फर्क पड़ जाता, 750 रुपया टैक्स बन जाता, क्योंकि रिबेट नहीं मिलता। रिबेट किसको मिलता है? रेजिडेंट को, रेजिडेंट इंडिविजुअल, प्लीज रिमेंबर, रिबेट जो मिलता है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। इलस्ट्रेशन 4, कैलकुलेट टैक्स पेबल व्हेन मिस्टर एक्स हैविंग टोटल इनकम ऑफ 10,56,240 वाज बोर्न ऑन दिस दिस, एक डेट दिया इस डेट को अगर पैदा हुआ है तो, दूसरी डेट दी इस डेट को पैदा हुआ है तो, और फिर 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया, क्योंकि 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया ना तो फिर तो डेट से कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, अब आपको डेट वेट याद है कुछ? 1/4/41 या उसके पहले पैदा हुआ है तो सुपर सीनियर होता है। 1/4/41 एक डेट याद करा दी थी मैंने, 1/4/41 या उसके पहले सुपर सीनियर, 1/4/61 1461 या उसके पहले सीनियर, और 1461 के बाद पैदा हुआ है तो ना तो सीनियर ना तो सुपर सीनियर। ठीक है, तो 1/4/41 और 1/4/61 ये डेट हम लोग ने याद की थी, ये 1/4/41 के पहले वाली डेट है, तो इसकी वजह से ये सुपर सीनियर हो गया। सुपर सीनियर भी बोलते हैं और वेरी सीनियर भी बोलते हैं, और ये वाला हो गया 1/4/41 के बाद वाली डेट हो गई ना, तो ये सीनियर सिटीजन हो गया। और यहां पे मतलब ही नहीं होता, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, 115 बीएससी ऑप्ट कर लियो तो एक ही स्लैब सबका है, तो 10/56/240 है, तो 5 लाख तक निल, 5 से 10 20%, और 10 लाख से 10,56,000 तक 30%। ठीक है, तो हमने टैक्स निकाल लिया, टैक्स से तीनों को जोड़ दिया, फिर उसके बाद 4% सेस जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये आ रहा था 547। और आपको मालूम ही है कि इनकम और टैक्स दोनों की आखिरी डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो।
47 को राउंड ऑफ करेंगे तो 50 हो जाएगा। हम ऐसे लिखेंगे टैक्स पेबल, और यहां लिखेंगे टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B। कोई दिक्कत किसी को? होनी तो नहीं चाहिए। दूसरे वाला पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें 5 लाख की जगह 3 लाख तक की छूट मिलेगी। देखिए 3 लाख तक मिले, अकॉर्डिंगली आगे बढ़ जाइए। और तीसरे वाले में चेंज होता ही नहीं है, अगर आप 115 BAC ऑप्ट करेंगे तो वही 2.5-2.5 लाख रुपए पे 55% के हिसाब से बढ़ते जाएगा, वो वाला टैक्स लगा देना है। इलस्ट्रेशन 5 में भी कोई खास बात तो है नहीं, आप देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 6 डेट ऑफ बर्थ दी हुई है आपको और 115 BAC ऑप्ट नहीं किया गया है, डिंट ऑप्ट, तो इसका मतलब हो गया ओल्ड स्लैब के हिसाब से आपको निकाल देना है। कि आप नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और क्या देखा जाए, इलस्ट्रेशन 7 है कि टैक्सेबल इनकम है 2,24,05,725, 2,24,05,725। इंडिविजुअल नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAC, वो सेक्शन 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है, तो पुराने स्लैब के हिसाब से चलाइएगा, ठीक है। और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम है, ध्यान दीजिएगा, सरचार्ज देना है यहाँ पे, यहाँ सरचार्ज लगेगा 25% का। तो ये टैक्स निकाल लिया हमने, पहले 2.5 लाख पे 5, फिर अगले 5 लाख पे 20, और 10 लाख से ऊपर पूरा 30, और जितना आया उस पे 25% का सरचार्ज, फिर 4% सेस वगैरह ये सब। अच्छा, जोड़ने के बाद ये 85 आ जा रहा था, 5 रुपए उससे ज्यादा हो तो राउंड ऑफ करके आगे बढ़ाना होता है, तो 85 की जगह 90 कर दिया, ठीक है। फिर फर्म है, फर्म का तो फ्लैट 30% होता है, कोई दिमाग नहीं लगाइएगा, फर्म का फ्लैट 30% होता है, ये रहा फ्लैट 30%, ठीक है। और 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होती है फर्म के केस में तो सरचार्ज का रेट होता है 7% होता है ना, 12% होता है। ये किसका है? ये वाला था, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्म का ये वाला है 30%, 12% सरचार्ज, और तीसरा तो कंपनी का है शायद, तीसरा इंडियन कंपनी है, 400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर 18-19 में, तो 30% टैक्स लगेगा, 7% सरचार्ज लगेगा, ठीक है। 400 करोड़ से कम टर्नओवर है तो 25% टैक्स लगेगा, और सरचार्ज 7% का सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ के ऊपर 7% और 10 करोड़ के ऊपर 12% होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये तो बताया नहीं था कि सेक्शन 115 BAB ऑप्ट किया है कि नहीं, ठीक है ना। सेक्शन 115 BAA, मैन्युफैक्चरिंग होती तो BAB भी बोला जा सकता था, तो BAA और BAB की बात तो की नहीं गई है, ठीक है। आपको याद रहेगा ये 3 सेक्शन, 115 BAA, BAB और BAC, ये BAA कंपनी 22% वाला है, BAB कंपनी 15% वाला है, और ये इंडिविजुअल न्यू स्लैब है BAC में, ये याद रखिएगा ऐसे, BAA, BAB और BAC, BA कॉमन है, ठीक है, ABC ऐसे याद रखिए। राइट, तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। हम लोग ने टैक्स के रेट को देख लिया, सरचार्ज देख लिया, रिबेट देख लिया, राउंडिंग ऑफ देख ली, एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस देख लिए, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, अगली क्लास में फिर हम आपको कुछ और बात बताएंगे। विल स्टॉप हियर।